हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी स्केल टू एएफओ एग्जाम के अंदर पिछले साल 2021 में जो क्वांट के क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। मैंने इसका एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे वो हमने एक्चुअल डिस्कस किए थे, जो पेपर में पूछे गए थे। तो आज हम और बाकी के अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। और ये पेपर हमारी वेबसाइट पे लाइव है, आप इसे जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंटेज 65% ऑफ द सेलिंग प्राइस। इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 60% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, then find new profit is what percent of the selling price of the article। तो हमें profit दिया हुआ है कि वो selling price का 60% है, 65% है, तो selling price को हम 100 ले लेते हैं। इसका 65% कितना होगा? 65 ही होगा, तो 65 profit आ गया। हमने इसका 65% निकाला क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो profit है वो SP का 65 है, इसीलिए हमने SP को यहाँ पे 100 माना है। तो आपको पता है कि जो सीपी प्लस प्रॉफिट है वो हमारा एसपी होता है, तो यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा, हम एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 35। तो ये हमारा पहले का सीपी प्रॉफिट और एसपी था एक तरह से। अब वो कहता है कि चेंजेस होते हैं, कुछ नया जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है 60% से, तो ये आपको 60% इंक्रीज करना है। तो आप इसका 60% निकाल लीजिए, वो 21 हो गया, ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो गई 56, ये आपके पास न्यू सीपी आ गया। एंड सेलिंग प्राइस जो है वो सेम रहता है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम रहता है, तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट नए वाला निकाल लेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या है, न्यू प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जब भी आपसे पूछा जाए न्यू प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो वो आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, एंड व्हाट परसेंट ऑफ वाली जो चीज होती है वो नीचे आती है। तो न्यू प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ एसपी, तो 4400 का कितने परसेंट है, तो वो 44% ही है, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तीन लोगों ने एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया। ए ने एक्स प्लस 9000 लगाए, बी ने एक्स प्लस 6000 लगाए और सी ने एक्स प्लस 7500 लगाए, राइट। सो अगर बी का शेयर जो है वो 30000 हो आउट ऑफ 90000, राइट, इन्होंने वन ईयर के लिए सबने पैसा लगाया है, इसने भी वन ईयर के लिए, इसने भी वन ईयर के लिए और इसने भी वन ईयर के लिए, और इन आपको दिया हुआ है कि जो बी का प्रॉफिट है वो 30000 है आउट ऑफ 90000। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका शेयर 1/3 है, 30 आउट ऑफ 90 कितना हो जाता है 1/3। तो हमें ए के बारे में पता है कितना इन्वेस्ट हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट पता है और उनका टाइम पीरियड भी पता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है, राइट। नाउ बी का जो शेयर है वो 30000 है आउट ऑफ 90000। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हम शायद ये x नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज देखिए हमें क्या दिया हुआ है, b का प्रॉफिट जो है वो 30000 है आउट ऑफ 90000, मतलब उसका अगर हम शेयर निकाले तो पूरे में से 1/3 है, तो b का शेयर कितना है यहाँ पे x प्लस 6000, और अगर तीनों को ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी हो गई 3x प्लस 22500। तो तीनों का अगर हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये रेशियो हमें एक तरह से 1/3 दिया हुआ है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा आपको 3x plus 18,000 is equal to 3x plus 22,500 ऐसा मिल रहा है, जो कि कोई एक रिजल्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे 3x है, 3x कैंसिल हो गया, इट मीन्स यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, हम x नहीं निकाल पा रहे, तो हम उन दोनों का जो प्रॉफिट उनको मिलेगा वो भी x से वेरी करेगा, कितना x है उसके हिसाब से वेरी करेगा, तो हम उनके डिफरेंस ए और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते प्रॉफिट में, इसलिए आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक्स नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, वनडे मैच से रिलेटेड।
तो हमारा क्वेश्चन है एन वन डे इंटरनेशनल इज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। तो हमें पता है वन डे जो होता है वो नॉर्मली 50 ओवर्स का जो है वो आपका मैच होता है। तो यहाँ पे जो टीम ऑस्ट्रेलिया है उसने फर्स्ट ओवर में 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से एवरेज रन बनाए। तो इसका जो पहले 22 ओवर का जो इसका एवरेज रन रेट है वो आपका है 6.5। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगले 28 ओवर का जो इसका रन रेट है वो बढ़िया हो जाता है, वो 8.5 हो जाता है, ये भी दिया हुआ है। तो पहले 22 का इतना है, फिर अगले 28 ओवर्स का इतना है, तो आपको शायद पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने कितने रन बनाए। ये आपको एवरेज दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके टोटल रन निकाल लीजिए। 22 ओवर में 6.5 का एवरेज था तो टोटल कितना हुआ, और इन 28 ओवर में 8.5 का एवरेज था तो टोटल कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 22 को 6.5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 से अलग कर लीजिए और हाफ से अलग कर लीजिए। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 132 और हाफ से किया तो 11, ये हो गया 143। सेम 28 को 8.5 से करना है तो पहले 8 से कर लीजिए और हाफ से अलग कर लीजिए। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा 28 को, तो ये ऐड करके आपको मिल गया 238। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको फाइनली ऑस्ट्रेलिया के जो रिजल्ट है वो मिल गए, कितने उन्होंने रन्स बनाए, 381। आगे दिया हुआ है कि टीम बांग्लादेश फेल 6 रन शॉर्ट ऑफ द टारगेट, तो उनको ये बनाने थे लेकिन 6 रन उनके कम हो गए, तो यानी कि बांग्लादेश के जो हैं वो 6 रन कम बने। नाउ आपको बताना है कि टीम बांग्लादेश ने अगर पूरे 50 ओवर खेला तो उसका एवरेज रन रेट कितना है, तो इसको बस ये टोटल रन है इसको आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बांग्लादेश की टीम का एवरेज रन रेट आपको मिल जाएगा विच इज 7.5। आई होप आपको क्लियर होगा कि इन्होंने 50 ओवर्स में इतने रन बना लिए, अब ये टोटल करके आपका 381 आ गया, लेकिन बांग्लादेश के 6 रन कम पड़ गए, 375 आ गए, और उसका एवरेज निकालना है तो 50 से डिवाइड कर दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट किसी पैसे पे जो कमाया गया है दैट इज 3/8 ऑफ दैट सम। नाउ इफ नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट ऑफ पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो आपको जो टाइम दिया हुआ है वो रेट का हाफ दिया हुआ है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, PRT/100। तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे R और T में रिलेशन मिल गया कि RT/100 की वैल्यू 3/8 आ गई। आपसे रेट पूछा है तो आप T को R की फॉर्म में पुट कर दीजिए, तो ये जो T है इसकी जगह पे हम R/2 लिख लेते हैं क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। तो यहाँ से अगर आप 8 से ये कैंसिल कर दें तो 25 पे हो जाएगा, 25 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिल रहा है। अब आपको बताना है किसका स्क्वायर 75 होता है, ये एग्जैक्ट तो किसी का होता नहीं है, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा और हमें निकालना भी अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो देखिए 8 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 64 होता है, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में है, तो लगभग 8.5 या 8.6 8.7 ऐसा आंसर होगा, और 8.5 से ज्यादा होगा या नहीं ये भी देख सकते हैं। 8.5 का स्क्वायर निकालना इजी होता है, जिसके पीछे भी 5 हो उसके स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो आगे पड़ा है इसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 0.5 है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर बनता है 72.25। ये 8.5 का है और हमें बताना है 75, तो वो 8.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, करीब करीब 8.7 के आसपास, जो कि हमें एक ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है बोल्ट एंड स्ट्रीम पे, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। स्टूडेंट्स AFO के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, 2021 का भी है और 19-20 का हमारे पास
आप बाकी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो भी आपके पेपर में इस पेपर में आता है वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पिछले साल के पेपर। साथ के साथ आपको एग्रीकल्चर के फ्री मॉक टेस्ट भी आरआरबी स्केल 2 के लिए हमारी वेबसाइट पर मिल जाते हैं, तो फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर प्रैक्टिस करें। ऑल्सो वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर आरआरबी स्केल 2। आपके पास 24 सितंबर को आपका एग्जाम है, लगभग आपके पास 80 डेज का टाइम है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो पेपर क्लियर हो सकता है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कूपन कोड लिख लीजिए RRB50, इसका यूज कर लीजिए, आपको डायरेक्टली 50% ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव डेली क्लासेस होती हैं, सब कुछ इसमें मिलता है। इवन इंटरव्यू गाइडेंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, तो वेट मत करिए। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मेंटर, बेस्ट गाइडेंस चाहते हैं, क्रिस्प कंटेंट चाहते हैं, तो जल्दी से एनरोल करिए। हमारा नंबर है 9205524028, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, कोई वीडियो मिस ना हो, एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट में जरूर लिखिए।